कॉपीराइट की वजह से इसका जो म्यूज़िक है उसे बंद कर दिया गया है। तो जो ये आईडी दिख रही है आपको टिकटॉक की, वहाँ पे जाके आप इसको इसके रियल म्यूज़िक के साथ एंजॉय कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूँगी, तो वहाँ भी आप चेक कर लीजिएगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी बाइकिंग फैमिली? हाँ, नहीं आप भूल गई, मैं ऐसे नहीं बोलती हूँ। आप ऐसे ही बोलती हो पहले तो, फिर बोलती हूँ। क्या बोलती हूँ? हाय गाइस, कैसी है मेरी बाइकिंग फैमिली? फिर अस्सलाम वालेकुम, नहीं पहले अस्सलाम वालेकुम करती हो, फिर हाय बोल, फिर कैसी है मेरी बाइकिंग फैमिली, ऐसे बोलती भूल गई हैं आप। बस अब आप ना बातें ना बनाएं दादी अम्मा जैसी, आप भूल गई। मैं कहती हूँ, चलो मैं कह के दिखाऊं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी बाइटी की फैमिली? आई होप अच्छी होगी, खैरियत से होगी, बिल्कुल ठीक ठाक होगी। ऐसे बोलती हूँ मैं, समझ में नहीं आया। चलो, आपकी बहुत सारे खालाओं ने, बहुत सारी आंटियों ने, आपियों ने, जो भी हैं, सारे सब ने बहुत प्यारे प्यारे आपको विशेस दी हैं, दुआएं दी हैं, सबको थैंक यू बोलो आप। थैंक यू भी बोलूं या फिर अप्पी बोलूं? कुछ अप्पी हैं आपकी, कुछ आंटीज हैं, सभी खाला जान हैं, सारे लोग मुझे अप्पी बोलते हैं, तो उस हिसाब से वो आपकी खाला जान हुई, खाला हुई, आंटी हुई, तो सबको थैंक यू बोल दो। थैंक यू इतनी प्यारी दुआ देने के लिए, है ना। और ज़ायरा ने ये ड्रेस पहना हुआ है और कितनी प्यारी लग रही है ज़ायरा। और मैंने यही पहन लिया जो रखा हुआ था, और ये देखी शबनम से साथ मैंने चूड़ी कड़े जो भी कहते हैं वो पहने हुए, ये बाहर हैंग हुआ हुआ था तो मैंने उठा के यही पहन लिया। मैंने कहा मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कोई ड्रेस निकालूँ, उस पर प्रेस ट्रेस करूँ और कुछ ना पहनूँ, तो इसलिए। और तो अब मैं जा रही हूँ किचन में, और फिर बाकी का मैं आपको देती हूँ। इतनी सारी चीजें खा लोगी, इतना है आपके पास जगह? तो सब पेट है आपका, जरा में फिल हो जाता है। आप बोल मम्मा फुल हो गई, मैं मुझसे नहीं खाया जा रहा है, आप ऐसी बातें करते हैं। भूख लग रही है, खा लेंगे आप। चलो ठीक है, तो चलते हैं किचन में। चलो अपन दोनों बनाएंगे। नहीं यार, आप किचन में, आप तो यहीं चिल करो, मैं जाके किचन में काम करती हूँ। आप अपना मोबाइल दे दो मुझे। नहीं, मोबाइल दूंगी तो फिर मैं बाकी का शूट कैसे करूंगी, है ना। चलो ठीक है, ले लूं मोबाइल। आप यहाँ बैठ के चिल करिए, मैं जाके किचन में काम करके आती। बाय बाय कर दो, अल्लाह हाफिज़ कर दो। बाय, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद केक कटिंग पर। चलो केक कटिंग के बाद। ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अब मैं जा रही हूँ किचन में, किचन में देखा लाइटिंग का कितना यहाँ पे रहता है इशू, कितनी अजीब लाइटिंग रहती है यहाँ की, मतलब काफी चेंज हो जाता है। चलो मैं यहाँ तैयारी कर रही थी, आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या चीजें हैं। और इसको प्री हीट पे छोड़ दिया था मैंने ओवन को, ताकि प्री हीट हो जाएगा जल्दी से हम इसको बना लेंगे। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम केक बना रहे हैं, और वैसे मैं बनाती नहीं हूँ केक वेक का ऐसा कुछ, के बर्थडे है तो कुछ ज़रूरी है। ये है मैदा, 2 कप हम मैदा लेंगे, इसी में से डायरेक्ट ले लेंगे, पैकेट मैंने खोला नहीं है अभी, ठीक है। ये चोको चिप्स हैं, ये 2 अंडे हैं रूम टेम्परेचर पे, 1 टीस्पून 2 टीस्पून आपको ये लेना है बेकिंग पाउडर, और नहीं तो आप 1 टेबल स्पून भी ले सकते हैं, एज यू विश। बहुत ऊपर तक हुप करते ना वो नहीं करना है, बस लेवल से लेना है। 1 टीस्पून वेनिला एसेंस लिया हुआ है, आप चाहें तो अगर आपको स्मेल तेज़ पसंद है तो आप बढ़ा भी सकते हैं। 1 कप के करीब मैंने लिया है मिल्क रूम टेम्परेचर पर, 1 कप ऑयल है ये, और ये 1.5 कप है शुगर, आप चाहें तो कम अगर खाते हैं तो 1 कप ले लें, ठीक है। हमारे यहाँ ज़्यादा खाया जाता है तो इसलिए मैंने थोड़ा ये बढ़ा कर लिया हुआ है, आप कम भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत चाहे तो। और ये मेजरिंग स्पून है, ठीक है, टेबल स्पून टी स्पून, और ये कप जिनके जिसके नाप से मैंने ये सारी चीज़ें ली हुई हैं, ठीक है। और शुगर अगर आपके पास ग्रैनुलेट होती है, जो भी बारीक से आइस में शुगर अगर हो वो कर लें, नहीं तो मिक्सर में पीस लें, मेरे पास सिंपल थी तो मैं इसको पीस दूंगी अब मैं मिक्सर में।
तो ये वही हो जाएगी सेम चीज़। बहुत ले लेंगे सारी चीज़ें, सॉरी सारी चीज़ें हम इसमें कर लेते हैं। चलो बताते हैं। तो ये देखिए मिक्सर में हमने इसको पीस लिए, अब इसी में हम अंडे फोड़ के को मिक्स कर लेंगे। चाहे तो आप ऐसे कर लें, चाहे तो आप अलग निकाल के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जब तक मैं अंडे फोड़ रही हूँ तब तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो ना, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइब माय चैनल। डिस्क्रिप्शन को चेक कर लें और वहाँ पर लिंक है, उसे भी फॉलो कर लें और इंस्टाग्राम पेज पे मुझे फॉलो कर लें। तो आपके लिए मुझे जानना, मेरी लाइफ को जानना आसान हो जाएगा। और जो बेल है ना उसको ऑल पे ज़रूर सेलेक्ट कर लें ताकि जब भी मेरा वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन की बेल बज जाएगी, घंटी बज जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 कप जो है मैदा ले लिया है, एग को बीट कर लिया है। आप चाहें तो हैंड बीटर से कर सकते हैं, मेरे पास हैंड बीटर फ़िलहाल नहीं है तो मैंने मिक्सर जार में कर लिया। जिसके पास ना हो वो ऐसे कर ले, जिसके पास हो वो उससे कर ले। देन मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ें इसके अंदर। ठीक है, छान के भी कर सकते हैं मैदे को, और ऐसे भी करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं होती, ऐसे भी ईजिली हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा पैन है जिसमें हमको बनाना है, बेक करना है, उसको हमें ग्रीस कर लेना है। बटर से भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे जो असली घी होता है ना, प्योर घी होता है जो, उससे कर लिया। तो आप बटर से भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, या पेपर जो आता है ना, बटर पेपर जो होता है वो भी लगा सकते हैं। तो जो आपको आसान पड़े ना आप वो कर लें। थोड़ा सा इसमें हम मैदा जो है डस्ट कर देंगे पूरे पे, अच्छे से लगा देंगे ताकि जो हमारा केक है ना वो चिपके ना। और आपको ध्यान रखना है कि आप इतना भरें क्योंकि ये फूलता है, डबल भी हो जाता है अक्सर। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना है। गार्निशिंग में कर रही हूँ चोको चिप्स जो होती है हमारी, उससे कर रही हूँ ताकि अच्छा खूबसूरत सा इसमें लुक आ जाए और अच्छा दिखे, मतलब थोड़ा सा, क्योंकि हम घर में अभी यू नो कोरोना जो भी है उसके चक्कर में कहीं जा नहीं सकते, कुछ मिल नहीं रहा है स्पेशल, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं फिलहाल, हम हेल्पलेस हो गए हम। तो यहाँ पे मैंने जो केक का ऑप्शन होता है उस पे मैं बना रही हूँ, प्री हीट पे ऑलरेडी रखा हुआ था, 32 कट्स में टाइम सेट हुआ था, बट मैं 32 पूरा नहीं लेती हूँ, 25 मिनट्स में मेरा केक बन जाता है आराम से, बहुत अच्छे से। तो जब तक मेरा ये केक बन रहा है तब तक मैं डो तैयार कर लेती हूँ क्योंकि मुझे एग रोल भी बनाना है, मेरा उसको दिल चाह रहा था काफ़ी टाइम से, तो मैंने सोचा चले घर में बना लेते हैं उसको भी, उसमें क्या मसला है, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। तो बस सिंपल सा मैंने मैदा लिया, कुछ इसका अंदाज़ा नहीं, बस मैंने ले लिया, नमक डाला, ऑयल डाला ज़रा सा और उसको सेट कर लेंगे हम अच्छे से। तो जब तक ये सेट होगा तब तक हमारा केक बन जाएगा, हम उसको चेक कर लेते हैं। तो आप चाहें तो बीच में स्टॉप कर लें या पूरा टाइम देने के बाद चेक कर लें। मैंने चेक कर लिया था जब टाइम हो गया था 25 मिनट्स, तो हमारा नाइफ जो था ना बिल्कुल क्लियर निकला था। आप उसको ऐसे डालें बीच से और ये देखें बिल्कुल ऐसा नीट एंड क्लीन निकलेगा, तो इसका मतलब है आपका केक बेक हो चुका है। क्योंकि बीच का ही जो सेंटर का एरिया होता है ना, सिर्फ वही एरिया से पता चलता है, साइडों से तो बहुत जल्दी शुरू हो जाता है बनना, बस बीच का ही एरिया होता है, तो वहाँ से ही आपको चेक करना है। देन इस तरह से आप उसको निकाल लें, ठंडा कर लें, उसको सेट होने के लिए दे दें टाइम, ठंडा कर लें, उसके बाद करें, गरम गरम में ना करें, अदरवाइज़ आपके हाथ जो है ना वो जल सकते हैं। तो मैं ऐसे कोई केक बनाती नहीं हूँ बर्थडे वगैरह पे, काफ़ी टाइम से मैंने बंद कर दिए, लेकिन ये ज़ायरा की बर्थडे थी इसलिए स्पेशली करना पड़ा, क्यों वो मैं आपको आगे बताऊँगी। ठीक है, वैसे उनकी पोपी लाने वाली थी लेकिन नहीं आ पाई कर्फ्यू की वजह से, लॉकडाउन हुआ है यहाँ पे सारे में इसलिए। और अब मैं बना रही हूँ पास्ता क्योंकि ज़ायरा को पास्ता बहुत पसंद है, और उनकी फरमाइश थी कि मम्मा पास्ता बनाइएगा मेरे लिए, तो मैंने कहा चलो यार बना लेती हूँ, उसको इतना पसंद है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाला है थोड़ा सा, उसमें मैंने लहसुन, चाइनीज़ चीज़ें वगैरह जो होती हैं उसमें लहसुन जो होता है, लहसुन जो होता है वो ज़रूरी होता है, तो मैंने उसको कूट लिया था। अगर आप चाहें तो क्रश कर लें, चॉप कर लें, जो आपका मर्ज़ी हो आप वैसा कर लें। ठीक है, उसके बाद मैंने जो टमेटोज थे वो भी मैंने थोड़े से, उसको जल्दी देर हो रही थी मैंने मिक्सर में चला दिए थे, थोड़ी सी हमने कट जो हमारी चिली फ्लेक्स होते हैं ना कुटी हुई लाल मिर्च वो डाल दी, नमक डाल दिया, देन ऑरिगानो डाला हुआ 1 टेबल स्पून, और उसको थोड़ा सा मैंने स्लो आंच पे पकने के लिए छोड़ दिया। अब मैं वाइट सॉस रेडी कर रही हूँ, उसमें मैंने 3-4 टेबल स्पून के करीब मैंने बटर डाला हुआ है, 2 टेबल स्पून मैंने उसमें मैदा डाला है, उसको भून लिया, फिर उसके बाद मैंने इसमें चीज़ डाल दिया, मिल्क डाल दिया, और हमें खूब अच्छे से इसको, हमारा जो चीज़ है ना ये काफ़ी टाइम से रखा हुआ था तो ये हार्ड हो गया था,
तो अदरवाइज जल्दी मेल्ट हो जाता है। तो ये बहुत इजी है बनाना वाइट सॉस। थोड़ा सा ऑरेगानो डाल दें, ज़रा सा नमक डाल दें और चिली फ्लेक्स भी आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाले क्योंकि मैंने वहाँ पे ऑलरेडी डाल दिए हैं इस वजह से। तो ये बहुत इजी सॉस है और यम्मी इतना होता है ना कि मेरी फैमिली को बहुत मज़े का लगा। बस हमारा ये जो था ये बन चुका था, ऑलरेडी पक चुका था अच्छे से। फिर हमने ये वाइट सॉस इसमें ऐड किया और फिर मैंने पास्ता ऑलरेडी रेडी करके रखे हुए थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए। तो ये फटाफट से रेडी हो गए। और आपने कहा था रेसिपी शेयर करना, आप लोगों ने किसी ने नहीं बताया कि वन पार्ट में करेंगे और टू पार्ट में। मैंने वन पार्ट में ही कर दिया फास्ट फॉरवर्ड में। अब आप लोग इसकी रेसिपी हुआ तो मैं कुक लाइक शेहला पे डाल दूँगी, तो वहाँ से आप लोग अच्छे से देख लेना, ठीक है। मेरा पता है मोबाइल जो था ना, ये पास्ता जब कुक हो रहा था ना उसमें गिर गया था थोड़ा सा ही, लेकिन अल्लाह का शुक्र ठीक रहा। तो अब मैं यहाँ पे एग रोल बना रही हूँ, कुछ नहीं, मैंने रोटी जो होती जैसे बेलते हैं वैसे बेल के उस पर अंडा जो था वो फेंट के डाल दिया। उसमें अंडे में नमक और मिर्च डाली होती चिली फ्लेक्स, वो उस पर डाल दी और ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद में फिर मैंने उसको पलट दिया। पलटना जो है वही टैलेंट है सारा, आपको वहीं दिखाना है क्योंकि पलटा नहीं जाता है। थोड़ा सा उसमें ट्रिक भी चाहिए होती है और थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है। बस कुछ नहीं, ये हमने इस तरह से बना लिया है क्योंकि डायरेक्ट रोटी पे ही डाल के बनाया जाता है। चाहे तो आप फोड़ भी सकते हैं डायरेक्ट अंडा, बट मुझे वो चीज़ समझ में नहीं आती है इसलिए मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैंने अलग से नमक मिर्च डाल के फेंट लिया था उसे। और फिर उसमें हमने प्याज डाला हुआ है काट के, जो हमारी कैबेज होती है वो डाली हुई है। ये सब फ्रोज़न करके रखा हुआ था मैंने, कैबेज और जो कैरेट है ना, गाजर और पत्ता गोभी, तो ये फ्रोज़न था मेरे पास रखा, रखती हूँ मैं शिमला मिर्च और ये सारी चीज़ें कभी भी कुछ बनाना हो बच्चों के लिए तो मैं फ्रोज़न करके रखती हूँ, वो है ये। तो ऊपर से हमने वाइट सॉस डाल दिया। ये बहुत बड़े काम का चीज़ है यार, बहुत हर चीज़ में काम आता है और बहुत ज़बरदस्त लगता है। एज अ सॉस भी यूज़ कर सकते हो आप, किसी चीज़ में डाल सकते हो, बहुत मज़े का होता है, तो ज़रूर ट्राई करना। और ये हमारी जो ग्रीन चटनी है विद दही, कर्ड वाली जो होती है ना हर मिर्च चटनी, इसमें हम दही डालते बनाते हैं वो है ये, तो ये भी सुपर्ब होती है। मतलब ओवरऑल जो रेसिपीज़ है ना, अगर आप ट्राई करने वाले हैं ना तो आप कहेंगे कि वाह मज़ा आ गया। साथ में हमने केचप डाला हुआ है, बस कुछ नहीं, इसको फोल्ड कर देंगे। साथ ही बटर पेपर या कोई पेपर आप ले लें उसको फोल्ड कर दें। अब मुझे तो खाना था फटाफट से तो मैंने इतना सारी चीज़ें नहीं की। आप चाहें तो बच्चों को दे रहे हों तो वाइट पेपर या बटर पेपर में उसको हाफ फोल्ड कर दें, वो मैं आपके साथ कभी इंशाल्लाह फिर कभी शेयर करूँगी, तो फिर वो आप देखिएगा। बाकी जो था सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं और बच्चे देखिए कितने खुश थे। ये कैंडल घर में बनाई है हमने और ये सिक्स जो है ये लोइजा ने बनाया है और दादी कोशिश कर रही हैं जलाने की उसे, तो बाकी आप देखिए। चलो कोई बात नहीं, चलो इधर इधर, हाँ काटो। अरे अरे रुको, हाँ इसको हटा, अलग रख दो, देखो ला मैं कर देती ना। नहीं आप नहीं कर पाओगे, हाँ इससे। खुश ज़ायरा खिलाओ जोहान, जोहान को दो। अरे यार हमारे बच्चे को नहीं दिया आपने, जोहान को दो ये, जोहान को दो। नहीं, 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 हो गया। रुको 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 रुको, एक मिनट रुको। थैंक यू, वेलकम। रुक। और ये एक और केक जो था मैंने बनाया था क्योंकि उसमें पूरा फुल नहीं आ पाता ना एक साथ, तो ये एक और बनाया था, इसको मैंने थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है और इसके बारे में मैं आपको फिर कभी आपके साथ शेयर करूँगी इसकी रेसिपी कि ये इतना कलरफुल क्यों बनाया मैंने, क्या है, तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। बना बहुत मज़े का था, दोनों के एक बहुत ज़बरदस्त बने थे, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और जब कभी भी ट्राई करें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कोशिश करें कि इंस्टाग्राम पर अगर आप फॉलो करते हैं तो वहाँ पर इसकी पिक भी डाल दें मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं शेयर करूँगी फिर इंशाल्लाह से बाकी सबके साथ में। और कैसा लगा आपको वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा और इतना मतलब मज़े का था सब कुछ, बहुत अच्छा लगा सारी चीज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को पसंद आईं, हस्बैंड को पसंद आईं और बहुत खुश हुए। पास्ता भी यम्मी था और बिल्कुल सब्र नहीं हो रहा था इन लोगों से कि हम सब्र कर लें थोड़ा सा, शूट नहीं करने दे रहे थे, पूछे कि नहीं मम्मा बस भूख लग रही है बस करते हैं आप।
है, आप बताइए क्या दिखा रही, किसने दिया है ये? आज मेरे दादू ने दिया है और आज मेरा बर्थडे भी था तो मैंने पार्टी दी और इसको बर्थडे पे मुझे मिली। अच्छा चलो कोई बात नहीं, दिखाइए क्या कलर मिले, आप अच्छी अच्छी पेंटिंग करके दिखाना आप लोग। मैं इनको दिखाती हूँ, ओपन ये आपने की है? चलो ठीक है, अच्छे से करिएगा इस पे नहीं। चलो ठीक है, बस यही दिखाना था। ओके ओके चलिए आप ठीक है, बस गिर जाएंगे कपड़े गंदे हो जाएंगे, बंद कर दीजिए। और ये है मेरी शहजादी, मेरी परी, मेरी प्यारी सी ज़ायरा। और इतनी प्यारी थी यार, मुझे भी नहीं पता था, सीरियसली बताऊँ ये फ़ोटो जो ना पिक्स मेरे पास नहीं थे, मेरे भाई के पास थे, उनसे मैंने लिए हैं। और मैंने अपनी काफ़ी फ्रेंड्स से सुना था और लोगों से कि यार मतलब बेटी हो गई तो बड़े नाराज़ हो गए, रोए धोए गज़ब, मतलब मैं सोचती थी यार ऐसे क्यों करा लोगों ने। लेकिन जब मेरे यहाँ तीसरे मतलब बार में बेटी हो गई और मुझे बेटा चाहिए था तो मैं भी बहुत रोई, बहुत गुस्सा हुई मैं, और बहुत मतलब मैं अपसेट थी काफ़ी टाइम तक कि यार ऐसा क्यों हो गया ऐसा, क्योंकि मैं मतलब मेरा दिमाग में यही थी कि नहीं यार बेटा ही होगा, तो इस वजह से तो मैं भी बहुत अपसेट हो गई थी। खैर मुझे लगता है कि यार कितना पागलपन था वो सब कुछ, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। जबकि मैंने फ़र्स्ट अपने बेबी के टाइम पर खासकर दुआएं कर करके बेटी के लिए दुआ करती थी कि नहीं बेटी होना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, मतलब लड़कियाँ बहुत पसंद है, शायद यही वजह हो सकती है कि अल्लाह पाक को पसंद आई हो मेरी, क्योंकि लड़कियों को बड़े क्यूट से ड्रेस होते हैं सारी चीज़ें, और लड़के भी मुझे पसंद हैं, मतलब लड़के ज़्यादा नहीं हैं लेकिन हाँ लड़के भी पसंद हैं, क्योंकि होने चाहिए, जुमे के दिन जो हम शलवार कुर्ता उनको पहनाते हैं तो बड़े ही प्यारे लगते हैं। तो ये चीज़ थी कि बस दिमाग में थी कि दोनों चीज़ें होनी चाहिए, और जब वो चीज़ होती है ना कि हम जो एक्सपेक्ट करके बैठे होते हैं वो नहीं हो पाती है तो इंसान का मूड हो ही जाता है ऐसा। लेकिन थोड़े टाइम के बाद मैं ठीक हो गई थी, ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा ऐसी ही रही, ठीक हो गई थी मैं, ऐसा नहीं है। तो ये चीज़ का काफ़ी लोग हो सकता है कि सोच रहे हों कि अरे आप बेटी को ये दे रही हो तरजीह, वो नहीं यार, बेटा बेटी सब बराबर है, मेरे लिए चारों बच्चे बराबर हैं। लेकिन मैं उस टाइम पे जो थी ना मेरे दिमाग में वो मैं शेयर कर रही हूँ। और इसके बाद अकीका हमने एक साल की हुई तब किया था, लेकिन उसके जो पिक्स है ना वो हमें नहीं मिल रहे हैं, जो पेन ड्राइव वो प्ले नहीं हो रही है, तो वो सब चीज़ें नहीं मिल पाएंगे। बहुत ज़्यादा किसी बच्चे का नहीं है, किसी बच्चे का नहीं, सिर्फ लोइज़ा के अलावा, लोइज़ा को तो मैंने ऐसा रखा है ना, नज़रों में रखती थी बस, तो बाकी और किसी बच्चे पे इतना ध्यान नहीं दे पाए हैं। तो इनके साथ भी बस यही जर्नी थी कि ये बहुत रोती थी, चिनचिनी सी थी, और बाकी हैं बहुत प्यारी सी, अभी भी ये ऐसी हैं, ज़िद्दी टाइप की, थोड़ी सी चिनचिनी सी ज़िद्दी हैं, जल्दी बुरा लग जाता है, और बचपन से ये ऐसी हैं। और इवन मैं तक ऐसी थी प्रेगनेंसी में, जब मैं प्रेगनेंट थी बहुत उल्टियाँ होती थी, बहुत कमर में बैक पेन होता था, और बहुत मतलब चिनचिनी सी तबीयत रहती थी मेरी, पूरे टाइम मेरा भी यही हाल रहता था। तो बस जर्नी में कुछ इतना खास स्पेशल नहीं था, हाँ जो भी स्पेशल था ना वो सब होने के बाद था, एकदम शॉक्ड रिएक्शन जो होता है ना वो था मेरा। खैर अब तो मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, चारों बच्चे मेरे लिए बहुत प्यारे हैं, बिल्कुल दिल पे कोई कभी वो नहीं लेती मैं कि नहीं ये मेरे लिए स्पेशल है, वो मेरे लिए स्पेशल, मेरे शहजादा और शहजादियाँ हैं मेरे लिए सारे के सारे, प्रिंस एंड प्रिंसेस, तो सब बराबर हैं, सारे को मैं बहुत प्यार करती हूँ। और हाँ मैं उस टाइम नाराज़ ज़रूर थी, बट अब मैं बिल्कुल खुश हूँ सबसे, अल्लाह पाक सबको बहुत अच्छा रखे, सेहतमंद रखे, आमीन।